नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कोडचिन टेक्नीशियन योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सप्लीट एसी की पाइपिंग के बारे में। दोस्तों हम एक सप्लीट एसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा पाइप लगा सकते हैं और छोटे से छोटा कितना पाइप लगा सकते हैं और हमारे इनडोर और आउटडोर में कितना डिफरेंस होना चाहिए, आज इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों सप्लीट एसी हम सभी मैकेनिक लगाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है परिस्थितियों के अनुसार हमें पाइप को लंबा भी करना पड़ सकता है और हमें छोटा भी करना पड़ सकता है। लेकिन हम पाइप को लंबा या छोटा करेंगे तो क्या इसका असर हमारे यूनिट पर या हमारे कंप्रेसर पर पड़ेगा, तो ये सभी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी सप्लीट एसी के अंदर पाइपिंग करते हैं तो आप उस पाइप को एक अच्छी गुणवत्ता वाला पाइप आप इस्तेमाल कीजिए जिसकी थिकनेस हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार हो, क्योंकि अगर आप हल्की थिकनेस वाला पाइप यूज़ करेंगे तो आजकल जो गैसें आई हुई हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड गैसें होती हैं जिससे हमारी पाइप फट भी सकती है, तो इसलिए एक अच्छी गुणवत्ता वाला पाइप आप इस्तेमाल कीजिए। अब हम बात करते हैं कि हम सप्लीट एसी के साथ कितना लंबा पाइप लगा सकते हैं। तो दोस्तों हर कंपनी जो सप्लीट एसी बनाती है वो अपने एसी के साथ एक स्टैंडर्ड लेंथ पाइप को देती है जो 5 मीटर, 7.5 मीटर या 8 मीटर हो सकती है। कंपनी का यही कहना होता है कि आप हमारे यूनिट के साथ ये पाइप लगाइए, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि हमें पाइप को लंबा या छोटा करना पड़ जाता है। लेकिन हम लंबा कितना करें या छोटा कितना करें ये मैं आपको एक टेबल के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको अगर हम पाइप लंबा करते हैं तो उसके क्या प्रभाव हमारे सिस्टम पर पड़ते हैं या हमारे कंप्रेसर पर पड़ते हैं वो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों अगर हम पाइप एक निश्चित सीमा से लंबा कर देते हैं तो उसका सीधा असर हमारे कंप्रेसर पर पड़ता है, हमारा जो कंप्रेसर है उसकी कार्य क्षमता पर इसका असर पड़ता है। ज़्यादा लंबा पाइप होने से दोस्तों उसकी कार्य क्षमता कम पड़ जाती है, यानी कि हमारा एवेपोरेशन और कंडेंसेशनल कार्य बाधित होता है और वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता, जिससे कूलिंग इफेक्ट हो जाता है और हमारा सिस्टम कूलिंग को कम करता है। लंबी पाइप होने से दोस्तों जो कंप्रेसर का ऑयल है जो रेफ्रिजरेंट के साथ मूव करता है वो उन्हीं पाइपों में रह जाता है और वापस कंप्रेसर तक लौट नहीं पाता। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो लंबी पाइप होने से हमारे सिस्टम पर दुष्प्रभाव डालती है। दोस्तों और छोटी पाइप होने से भी हमारे सिस्टम पर दुष्प्रभाव पड़ता है, अगर हम ज़्यादा छोटी पाइप लगा देते हैं तो उससे क्या होता है जो हमारा रेजिडेंट होता है वो लिक्विड अवस्था में कंप्रेसर को जाना शुरू हो जाता है और जिससे कंप्रेसर के पार्ट्स जो आपस में घर्षण करते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और हमारे कंप्रेसर की लाइफ कम हो जाती है। तो ये कई बातें हैं जो छोटी जो पाइप के लंबा होने या छोटा होने पर हमारे सिस्टम पर पड़ता है। इसी कड़ी में दोस्तों मैं आपको एक बात और जानना चाहता हूँ, अगर आप पाइप को लंबा कर रहे हैं, आपकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आपको पाइप को लंबा करना पड़ेगा, तो आप कोशिश कीजिए कि पाइप में जो बैंड होते हैं वो कम से कम लगाएं, क्योंकि बैंड होने से क्या होता है दोस्तों जो हमारा रेजिडेंट ऑयल होता है वो वापस कंप्रेसर को लौट नहीं पाता, जिस कारण हमारे कंप्रेसर में लुब्रिकेशन कम हो जाता है और इस वजह से हमारे कंप्रेसर की लाइफ कम हो जाती है। और आप जब भी पाइप इस्तेमाल करें पाइपिंग के लिए तो एक अच्छी गुणवत्ता वाली एक अच्छी थिकनेस वाली पाइप को यूज़ कीजिए, जिससे कि हमारा फ्लेयर बहुत ही अच्छा बने। बहुत अच्छा फ्लेयर अगर आपका बनेगा तो आपकी गैस लीकेज के चांस बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। और जो हम पाइप पर इंसुलेशन लगाते हैं वो भी आपका अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि इंसुलेशन का प्रभाव भी पाइप की गुणवत्ता पर असर डालता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हम किस सिस्टम पर कितने टन वाले एसी पर कितनी लंबी पाइप लगा सकते हैं और हम इनडोर और आउटडोर में कितना डिफरेंस रख सकते हैं, ये मैं आपको आप जो सामने टेबल देख रहे हैं उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा।
दोस्तों आप जो टेबल देख रहे हैं इसमें तीन टेबल बनी हुई हैं। सबसे पहले कूलिंग कैपेसिटी लिखी हुई है, उसके बाद मैक्सिमम लेंथ ऑफ कनेक्शन पाइप लिखा हुआ है, उसके बाद मैक्सिमम लेंथ ऑफ डिफरेंस लिखा हुआ है। दोस्तों जो ये टेबल है ये B2U के आधार पर आधारित है, आप इसको टन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो डेढ़ टन का एसी होता है वो हमारा 18,000 BTU का होता है और एक टन में हमारे 12,000 BTU होते हैं। तो सबसे पहले इसमें 5,000 BTU के लिए मैक्सिमम हम कितना पाइप यूज कर सकते हैं वो बताया गया है। 5,000 BTU के लिए दोस्तों हम 15 मीटर पाइप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पाइप हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम इससे ज़्यादा पाइप यूज़ करेंगे तो वो हमारे सिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। और आपका इंडोर और आउटडोर का जो फासला होना चाहिए वो भी 5 मीटर के लगभग यानी 15 फुट के लगभग होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा उनमें डिफरेंस करते हैं इससे भी हमारे सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारा जो एपरेशन कनेक्शन का जो कार्य है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। इसी कड़ी में दोस्तों आगे चलता हूँ, 7,000 BTU के लिए आपको वही 15 मीटर पाइप और 5 मीटर डिफरेंस आप कर सकते हैं। 9,000 BTU के लिए भी आप 15 मीटर पाइप और 5 मीटर डिफरेंस आप कर सकते हैं इंडोर और आउटडोर में। उससे आगे आता हूँ मैं, 12,000 BTU यानी 1 टन AC के लिए आप 20 मीटर तार यानी 60 फुट पाइप और 10 मीटर डिफरेंस यानी कि इंडोर और आउटडोर के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 10 मीटर यानी 30 फुट के लगभग होना चाहिए। अगर आप 30 फुट से ऊपर डिफरेंस करते हैं उससे हमारे सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी कड़ी में दोस्तों 18,000 BTU यानी 1.5 टन AC के लिए आप 25 मीटर पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं यानी 75 फुट आप मैक्सिमम पाइप यानी मैक्सिमम तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा पाइप आप लगाएंगे तो आपके AC पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आप 25 मीटर पाइप की लेंथ 1.5 टन के स्प्लिट एसी के साथ लगा सकते हैं और 10 मीटर डिफरेंस यानी 30 फुट डिफरेंस आप इनडोर और आउटडोर के बीच में कर सकते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों आगे 24,000 BTU के लिए है, फिर 28,000 BTU के लिए है। 28,000 BTU के लिए आप 30 मीटर पाइप और 10 मीटर इंडोर और आउटडोर में डिफरेंस कर सकते हैं। इस टेबल में दोस्तों 48,000 BTU तक का डाटा दिया हुआ है, मैं इसको स्नैपशॉट के द्वारा YouTube पेज पर छोड़ दूंगा, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं और सेव कर सकते हैं। 48,000 BTU के लिए दोस्तों आप 30 मीटर तार मैक्सिमम, 30 मीटर पाइप मैक्सिमम और 20 मीटर जो डिफरेंस है इंडोर और आउटडोर का वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टेबल आपको B2 के आधार पर पाइप लेंथ के बारे में बता रही है, ये बहुत ही काम का डाटा है दोस्तों, आप इसे सेव कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। अब बात करते हैं कि हमने पाइप को लंबा तो कर दिया है लेकिन जब हम पाइप लंबा करेंगे तो हमें रेजिनेंट की मात्रा को भी बढ़ाना पड़ेगा, उसका भी दोस्तों एक फार्मूला है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों जैसे हम पाइप को लंबा करते हैं तो हमें उसके साथ रेजिनेंट की मात्रा को भी बढ़ाना पड़ता है, लेकिन वो किस अवस्था में या किस सिस्टम के आधार पर हम रेजिडेंट को बढ़ाएं वो मैं आपको इस टेबल के माध्यम से समझा रहा हूं। दोस्तों जो आप ये टेबल देख रहे हैं इस टेबल में ये बताया गया है कि आप 10 मीटर पाइप पर अगर आप जो कंपनी ने सप्लिट एसी के साथ पाइप दी हुई है निश्चित मात्रा की, अगर आप उसमें 10 मीटर पाइप का और इजाफा करते हैं तो आपको 250 ग्राम गैस उसके अंदर एडिशनल चार्ज करना पड़ेगा। और आप यही आंकड़ा पूरी पाइपिंग पर फिट कर सकते हैं, अगर आप 20 मीटर पाइप एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो आपको 500 ग्राम एडिशनल रेफ्रिजरेंट उसके अंदर चार्ज करना पड़ेगा। ये आंकड़ा है रेफ्रिजरेंट का दोस्तों कि 10 मीटर पर आपको 250 ग्राम
रेफ्रिजरेंट एडिशनल चार्ज करना पड़ेगा। ये तो बात हुई दोस्तों पाइप की लंबाई की और एडिशनल रेफ्रिजरेंट चार्ज की। अब मैं बात करता हूँ कि हम कम से कम कितना पाइप एक सप्लिट एसी साथ लगा सकते हैं। दोस्तों मैंने पहले आपको बताया कि कंपनियाँ एक्सटेंडेड पाइप लेंथ देती हैं 5 मीटर, 7.5 मीटर, 8 मीटर, ये जो लेंथ आती है ये कंपनी सप्लिट एसी साथ देती है। कुछ कंपनियाँ नहीं देती, वो अलग बात है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो कंपनी ने हमें लेंथ दी है हम उसी को लगाएं, लेकिन परिस्थितियाँ अगर ऐसी हो गई कि हमें लेंथ को छोटा करना पड़ेगा तो हम कितना लेंथ छोटा करें, तो दोस्तों हमें कम से कम 3 मीटर पाइप एक सप्लिट एसी के साथ लगाना चाहिए। अगर आप 3 मीटर से छोटा पाइप करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम हमारे कंप्रेसर को भुगतने पड़ते हैं और हमारे सिस्टम की लाइफ कम हो जाती है। तो दोस्तों मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको कुछ आंकड़े दूं जो आपके काम आ सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, मैं इनको YouTube पेज पर छोड़ दूंगा, आप इन्हें सेव कर लीजिएगा जो आपके बहुत ही काम आएंगे। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। दोस्तों आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी उपलब्ध पा सकते हैं। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाता रहूँ जो आपके काम आ सके। धन्यवाद दोस्तों।